ब्लॉग, कैसे आप सब लोग आए हो, सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और धूप चमक रही बहुत तेज। टाइम हो रहा है 7 o'clock और मैं उठ गई थी 6 बजे, बट चाय वगैरह पी हमने और मम्मा और खेत चले गए। तो मम्मी ने कहा जब तक मैं आता तब तक नाश्ता बना लो, तो मैं परांठे बना रही हूँ और क्या बोलते प्लेन परांठे, और साथ में मैं चाय वगैरह बनाऊँगी थोड़ी देर में, और चटनी और क्या बोलते हैं मैगी करने के लिए। तो फटाफट पहले परांठे बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे बन रहे मेरे परांठे। मैं रोटी नहीं बना पाते ना चूल्हे में, तो मैं सोचती जब तक मैं बना तो लेती हूँ पर कच्ची पक्की बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे पकाने नहीं आती ना, ऊपर ऊपर पकाती हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं सोचती हूँ परांठे परांठे बना लो। तो परांठे बन गए मेरे। तो पराठे तो डन हो चुके हैं, अब बनाऊंगी मैं चटनी। मैंने सोचा था पहले मैगी बनाऊंगी, मैंने मैगी के पैकेट रखे थे यहाँ पर, आटा वाली मैगी खाते हम तो रखे थे मैंने यहाँ पैकेट पर, करने जा रहा स्कूल, तो मैंने सोचा फिर मैगी खाने वाला कोई है नहीं तो मैं चटनी बना लेती हूँ फटाफट। तो मैं अभी बनाऊंगी प्याज टमाटर की चटनी, वो जो क्या बोलते हैं टमाटर को पका के उसके ऊपर मलाई वगैरह डाल के वो चटनी बनाऊंगी जब तक मम्मी और आते हैं। अभी तो खैर साढ़े 7 भी नहीं हुए, अभी बहुत टाइम है। एक चीज़ और दिखाती हूँ, हम कल ना खेत में गए थे ना, आजकल गांव में क्या हो रहा है, ककड़ियाँ अलग रखी हैं देखो, पर ये ख़राब हो गई, कोई निकाल ही नहीं रहा था, खैर इतनी पड़ी हुई हैं। और मेरे मम्मा और वहाँ चंडीगढ़ इतनी तरफ से इन ककड़ियों के लिए, ये जो घर की ककड़ी है ना स्वाद होती हैं बहुत ज़्यादा, बट हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। घर में पता क्या सिस्टम है, घर में है सब कुछ है, आदमी के पास मतलब हर चीज़ है, बट रीज़न क्या है कि हम ना बिजी हो जाते हैं काम में बहुत ज़्यादा, तो टाइम ही नहीं मिलता यार खाने का। हमारे नीचे नींबू हैं, संतरे वगैरह वैसे ही लटक रहे हैं सारे, और कोई खा ही नहीं रहा, पता टाइम भी नहीं मिलता ना। सोच भी रहे हैं जब सोचते हैं कि हाँ नींबू पानी वगैरह बनाए, फिर आदमी सोचता है इतने में मैं खाना बना दूँ, तो घर में नहीं हो पाता है। लेकिन बाहर के लोग होते हैं ना ले जाते, मम्मी और आती एक बार घर में सारा दे देती इनको, जितना भी था यहाँ पे मैंने पूरा नींबू निकाल कर दे देना नींबू का पेड़। तो मैं सोच रही हूँ अब उसका मैं निकलवा लूँगी, क्या बोलते हैं जूस निकलवा लूँगी नींबू का, तो बाद में बनाते रहेंगे ना। ले आई मैं प्याज, पर से प्याज मैंने काट लिए हैं, टमाटो से देखो भाप आ रहा है, अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा खैर। तो क्या बोलते हैं ये काट दिया मैंने, तो इसको फटाफट बना देती हूँ और तब तक मम्मी और प्याज खेत में आ चुकी हूँ और फटाफट अपना काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद घर जाना है शायद, फिर मुझे थोड़ी देर में मार्केट जाना पड़े, मासी का लड़का आ रहा है तो उसको लेने जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि यहाँ से ना गाड़ियों की बड़ी दिक्कत है, गाड़ियाँ नहीं आती यार चौबट्टा से। तो अभी मैं फटाफट पहले ये सामान फटाफट पहले काट देती हूँ, फिर घर जाऊँगी क्योंकि मम्मा और भी आने वाले होंगे, मम्मी पापा खेत जा रखे थे पहले ही। हाँ मम्मी और घास के लिए जा रखे चाचा। हाँ हो गया, मैंने झुमरा कर सॉरी कोदा भी ले लिया मैंने, मतलब इसके जो वो हैं क्या बोलते हैं कोदा काट दिया हमने और घास भी काट दी इतनी, बस अब घर की तरफ चलते हैं। आगे ऊपर से और बाहर चल रही है सफाई, देखो मम्मी मिट्टी और गोबर से ये लीप रही है, नीचे पोथा लगा रही पोथा, और दादी झाड़ू लगा रही है। अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगी बोलने में क्या जाते हैं बोलने में क्या जाते हैं मम्मी कह रही खुशबू आ रही वाले से, खुशबू गोबर से मिट्टी मिट्टी होते तो आते भी खुशबू, ऐसे क्या खुशबू आ रही है। तो कोई ना लीपूंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है एक हाथ मेरा एक हाथ के नाखून छोटे मेरे, काम बाद में करेंगे पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। तो मैं खा रही हूँ आम ही लग रहा है ना मम्मी, पर खीरा है खीरा ककड़ी। मैंने आइस वीक है तो मैं मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ जितना प्रोटीन खा सकते हो खाओ। अरे मम्मी मैं कमर टूट गई, कमर पीड़ हो रही यार भयंकर,
समझे गढ़वाली में कुछ आते मुझे गढ़वाली, पता क्या मुझे ना गढ़वाली बोलने में शर्म नहीं आती। लोग बोलते हैं ना कि आप गढ़वाली होके गढ़वाली क्यों नहीं बोलते, मैं शर्म शर्म कुछ नहीं आती मुझे। पर पता क्या होता है, जो बाहर के ऑडियंस हैं मतलब जो बाहर के लोग हैं वो ना नहीं समझ पाते हैं बस, इस करके मुझे हिंदी में बात करनी पड़ती। बाकी मुझे कोई शौक नहीं हिंदी में बात करने का। भाई देखो कुछ पेट पूजा कर लेती हूँ पहले, बाकी मैंने परांठे बना के इतने परांठे खा लेती हूँ और देखती हूँ क्या क्या है। ये चल रही सफाई और पापा भी सफाई कर रहे हैं। दादी बड़बड़ा रही है बस, दादी कुछ नहीं कर रही। मैंने देख रही हूँ मम्मी ये वाला सॉक लिख लिया हमने, ये बस ना अपना अपना। तो पहले थोड़ी सफाई हो जाए उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मम्मी बोलती है मैं बल अपने बहू को गोबर में हाथ नहीं लपेटने दूंगी। पूछ लो मम्मी से, पूछ लो सच्ची। मुझे खुद ही मना कर, दादी भी मना कर रही, मम्मी भी मना कर रही, मैंने तो कर देना था थोड़ा बहुत। दादी देहरादून जा रही हूँ मैं बस। हाँ मकान है अपना देहरादून में, जाएंगे सीधा जाना है बस। गाँव में तो ठीक है, देहरादून में करना भी क्या, वैसे बोल रहा हूँ तो खैर। मुझे आपको चिड़ चिड़ चिड़ाने में बड़ा मजा आता है। मैं कहता ना मासी का लड़का आएगा तो उसको लेने जाना पड़ेगा मुझे, तो वो कहते हैं पहुंच गए हैं वहाँ पे चौपट्टा में, तो चौपट्टे में ही जाना मैंने बस। इसे मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किया, टी शर्ट भी मैंने काम नहीं की डाली हुई है, उस पर टाइट हो रही थी। हमारा हम दोनों का सिस्टम ठीक है, काम नहीं का मेरा पता क्या, हम दोनों के कपड़े ना एक दूसरे को फिट आते हैं, हम कोई भी किसी का भी डाल लेते हैं मतलब कभी भी। तो मैं जा रही हूँ खिरसु फिलहाल, और मेरी सांस फूल रही बहुत ज़्यादा, इसलिए ऊपर जाके मिलूँगी आपसे। तो मैं खिरसु आ चुकी हूँ, मेरा काम नहीं हुआ एक्चुअली, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, और मुझे मेरे कुछ चिंदे चिंदे फ्रेंड मिले तभी हम बैठे हुए खा रहे हैं, कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं घर। और मेरी एक आँख सूज गई है, पता नहीं क्या हो गया यार हम पे, देखो बाकी पे हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, खाते खाते हैं ना तो मिलते हैं आपसे। आपको ज़्यादा ही सूज गई है ना, शक्ल छुपा रही है लड़की। तो नीचे पूछ के आते हैं जरा, मैंने फोटो फ्रेम का काम दिया था, पता नहीं किया कि नहीं किया उन्होंने, अब देखते हैं नीचे जाके क्या हाल चाल है। तो हो चुका है फाइनली मेरा काम यहाँ पे, मैंने कल शाम का टाइम दिया था भैया आपको। तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं हम, और वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे आज, मैं बहुत टाइम बाद मिली, मतलब जब मैं अपनी बड़ी मम्मी के पास गई थी ना सगाई के टाइम पे, मैं बड़ी मम्मी के पास रुकी थी कम से कम 6-7 महीने गांव में, तो उस टाइम की फ्रेंड्स मेरे आज मिली मुझे काफ़ी टाइम बाद, और काफ़ी खुश थे वो भी और मैं भी बहुत खुश थी उनसे मिल के। तो देवर जी भी आ चुके हैं, उनको लेने गई थी मैं, और घर जाके दिखाऊंगी मैंने कौन सी फोटो निकलवाई। ताजी क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, आलू आलू उगा रहे हो, ठीक है उगाओ उगाओ। तो
गांव में देखा हो आपने, सबका काम चलता ही रहता, थोड़ा ना थोड़ा बहुत कोई लोग मतलब बैठ के नहीं रहते, वैसे भी थोड़े से वेले हो गए तो उस टाइम पे उन्हें ऐसा होता कि ना तब तक हम कुछ कर लें, जब तक हमें सोना है या आराम करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं गाँव में। तो अभी फिलहाल जाते हैं, मुझे बहुत खतरनाक भूख लगी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बाहर के जंक फूड खाने के लिए बिल्कुल मना कर रखा, तो मैं कुछ खा के नहीं आई बाहर से भी, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को तो खा लेते ना, और क्या बोलते हैं खा लेते, मतलब हमने वैसे थोड़ा बहुत बट खाया नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं जंक फूड वगैरह। तो अब घर जाऊँगी, दाल चावल बनाए होंगे दादी जी ने, अब वो खाऊंगी आराम से। घर पर आपको ज़्यादा ही सूझी, खैर मैंने फोटो निकलवाई नहीं, दिखाती मैं कौन सी फोटो निकाली, ठीक है। बाहर से लिफाफे लग रखे हैं शाइन से कर जीप से कर रहे हैं, एक ये है और एक ये है और ये शादी से पहले की है, और पापा बना रहे हैं रायता। खाना बना लिया आपने? ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? मम्मी ने बनाया होगा क्या? मम्मी पापा कह रहे खाना, और मैंने बनाया थी दाल, मैंने बना दी तड़का, मैंने मारे तब जैसे ज्यादा क्या बनाने में बाद में भी मम्मी। हाँ भाई दिखाते हैं आप लोगों को, ये है ना, ये सनफ्लावर है पता, इनके बीजों को खाते हैं ये अंदर जो है ना दिख रही है वाइट वाइट, ये सारे बीज ऐसे निकाल के मतलब ऐसे झड़ते हैं नीचे, तब तब बीज को खाते हैं, बीज को खाने के बाद इसके अंदर वाइट वाइट निकलता कुछ, छिलका बाहर आ गया या मुंह चला गया। दो तीन चार तो देख सकते हैं आप लोग आजकल काम का टाइम चल रहा है, तो हम जब तक इसको बारीक नहीं कर देते तब तक हम कूटेंगे इसको, तो जब बारीक हो जाएगा इसको बाद दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सब जगह ही काम चल रहा है, उधर भी देखो उधर भी दादा दादी और कूट रहे हैं, और ये दादी फिर से इकट्ठा करेंगे इसको, फिर से कूटेंगे। मुझे अलग बिठा रखा है सिर्फ कूटने के लिए, क्योंकि मेरे बस का वो है नहीं, वो मैं दिखा दूंगी इन्होंने कितना पतला कर दिया ये। कितना पतला कर दिया इन्होंने, देखो बहुत बड़ी आफत आ चुकी है यहाँ पे, सारा तो जो इधर कर दिया क्योंकि यहाँ नीचे लैंडर है ना, और वहां से बारिश आ रही है इसलिए ऊपर से आ रही है। हाँ मुझे तो नहीं पता चलता, इनको ही पता चलता है कि बारिश आ रही है। वो देखो इंद्रधनुष दिख रहा है, हल्का सा निकला हुआ है। आप बताएगी सबके यहाँ पे बारिश आ गई सच्ची में, इनको पता चल जाता है, गांव के लोगों को पता कि यहाँ से बारिश आ रही है, वहाँ से आ रही है, मुझे नहीं पता चलता है, मम्मी को पता चल जाता है। तो चाय भी हो चुकी है रेडी, चुकी है हमारी चाय चाय चाय। हेलो पापा, थैंक यू, वेलकम। हेलो चाचा, कम वाले आपके बहुत धन्यवाद, वेलकम। लो सर, धन्यवाद। गोलिन बोल दी यहाँ था, सुन बोले थैंक यू बोलना पड़ता चाय के लिए।
बारिश रुक गई मैं जितने बार देख रही हूँ सो रहा है कि क्या अजीब से लग रहा है। तो आज पता है क्या मतलब जैसे बारिश रुक गई तो इस साइड तो बारिश हुई थी, उस साइड अभी तक धूप है, देख सकते हो आप उधर धूप है अभी, बैक करके दिखाऊंगा थोड़ा ना। और ये दोबारा निकाल देना झुमरा, दोबारा इसको ऐसे ही करना है, ये बिल्कुल पतला बनाएंगे इसको। तो कोट निकल, देखो कितने सारे लोग हैं, मम्मी है, चाचू है, मेरे ससुर जी, मतलब छोटे ससुर जी, पापा जी और देवर जी, देवर जी। आज ऐसे में देखो उधर धूप है और इधर बारिश हुई थी, और यहाँ पे चाचू और कर्नो कूटने लगे हैं। चाचू क्या ये आफत, अभी पापा बस मुंह ढक के खड़े यहाँ पे, कूटो कूटो अभी पापा और चाचा पूछ रहे हैं, वाह मजा आ रहा है, मजा मजा आ रहा है। इसके बाद मेरी मम्मी की बारी है, दादी दादी का नाम पता क्या रखा मैंने, पूछ दादी से, दादी से पूछ, दादी से पूछ, पूछ नहीं पूछ, दादी से पूछ होशियार सिंह किंजू बेबी है दादी का नाम, किंजू बेबी क्या मम्मी। अब देखो ये धूल धूल उधर जाएगी और ये अनार नीचे रह जाएगा। अब ये आए है, ये आया जो भी है झुंगोरा ना, कहते हैं पापा ने बताया मुझे आज, इसके कहते हैं कि जो ये छिलके होते हैं ना इसके बाहर, ये 7 छिलके होते हैं, अब बचा है सिर्फ एक भी नहीं बचा, अब तो निकल गए छिलके। अब मम्मी करेगी जिधर जिधर को वो आ रही होगी, हवा आ रही होगी उस साइड को, इनको पता है ना किस साइड को हवा आ रही है, मुझे तो पता नहीं चलता ऐसे करके, पर मम्मी को पता चल जाता है। मम्मी पून रही, इसको पूनना बोलते हैं, तो छानना। मम्मी पापा लगे हुए हैं दोनों के दोनों, और मैंने गर्म करने के लिए पानी रख दिया कंटर में। भाई साहब हालत ख़राब हो गई है, अब मैं नहाऊंगी, अब मेरी आँख थोड़ी ठीक है ना, पहले से मैंने जितनी बार मैं शूट कर रही हूँ ना अपने आप को देख रही हूँ, ऐसे जब अपनी तरफ कैमरा कर रही हूँ ना तो ऐसे दिख रहा है मुझे कि हाँ कि ये भाई आँख सूज रखी मेरी। उफ, अभी ठीक है, मैंने क्योंकि मैंने गाय का घी लगाया था ना उससे ठीक हो गया, काफ़ी फ़र्क पता चला मुझे। ये तो दोनों आँख ऐसे होते ना ऐसे ऐसे, तब मैं अपनी सांस जैसे लगती, मेरी सांस की आँखें यहाँ से सूजी सूझी मम्मी जी की। तो पानी रखा हुआ है नहाने के लिए, सबसे पहले मैं नहाऊँगी क्योंकि मैंने खाना बनाना है, फिर ये लोग आराम से नहा लेंगे। तो बोल प्रथा होती है गांव में, जो पहले पहले झमर तक के बर्गर दो बोलना इसको, हो गया बस बर्गर हो गया। तो ये झाड़ू झूड़ू क्यों रखा है, नजर ना लगे, ये तो है नियम, नियम यही तो है। अच्छा ओके, करने के लिए झाड़ू जाता है, बनाने के लिए सुपा जाता है। ठीक है भाई, मैं तो नहा गई, इतनी मतलब क्या बोलूं, खतरनाक शक्ल बन गई थी बिल्कुल, और गर्मी भी हो गई थी तो मैं नहा गई, अब ठंड लग रही यार बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं बाल सुखा लेती हूँ अपने, और
ये पीछे ना रोज ये देखते होंगे आप लोग, ये ना लगवाया था, ये एक्चुअली खुला था बट पसंद नहीं आया था मेरे को, इसलिए उन्होंने लगवा लिया था ना इस पर, ये खिड़की से लगवाई थी पर इस पर पेंट नहीं किया था क्योंकि ये फिर पेंट का ध्यान ही भूल गया था, फिर मैंने पेंट मंगवाया था इसके लिए कल परसों, तो बाल नीचे गिर रहे हैं यार पानी, तो मैंने इसके लिए पेंट मंगवाया, अभी दो चार दिन में कर दूंगी मैं इसको पेंट, फिर अच्छा लगेगा ये पीछे ना, तो पहले बाल छिड़क लेती हूँ ठीक है। अंधेरा भी हो चुका है, खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, 6:30 हो चुके हैं, वैसे ही 7 बजे तक तो हम खाना बनाने पे लग जाते हैं, पहले हम बाल सुखा लेते हैं तब उसके बाद देखते हैं। बाल तो मैंने बांध दिए हैं और जैसे खाना बनाने में सोच रही थी, खाना बनाने का टाइम भी हो गया, जैसे हमने खाना बनाना था ना वैसे लाइट चली गई, ये बस वो दूसरी वाली लाइट है चार्जिंग वाली वही जल रही है, तो फटाफट मैं सब्ज़ी काट, सब्ज़ी भी क्या काटनी, मैंने पनीर बनाना है, पनीर की सब्ज़ी और वो क्या बोलते हैं भाई रोटी, और देखते हैं अंदर रूम में जल रही लाइट, बट ये भी वही है, ये भी वही लाइट है क्या बोलते हैं इसको चार्जर वाली, तो पहले मैं प्याज टमाटर काट देती हूँ, मैंने ये छली भाई उबाल के रखी कितने दिन से और खाई नहीं किसी ने, ऐसी पड़ी रहती है घर पे, देखो टाइम ही नहीं है खाने का भी। सोचा था आज मैं ना वो बनाऊंगी क्या बोलते हैं मटर पनीर बनाऊंगी, उबाल के सोर के मटर पनीर बनाऊंगी, पर पता क्या हुआ पनीर तो था फ्रिज में बट कोन पड़े थे ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा था, मैंने सोचा वेस्ट हो रहे हैं तो मैंने सोचा आज मैं कोन पनीर बना के देखती हूँ क्या बनता है, तो अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको बताऊँगी, आप भी बना के देखना एक बार, क्योंकि आजकल घर में ना उत्तराखंड में देख उत्तराखंड के आजकल हर जगह कोन ही कोन है, तो फिर आप भी ट्राई करना, मटर महंगे हो रखे ना आजकल, तो मतलब मैंने कोन उबाल के रखे हुए थे ना दादी ने फ्रिज में, तो मैंने कोन छील दिए निकाल दिए मतलब कोन, और उसके बाद अब देखते बन क्या बनता है इनका। बाकी मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है और मटर इसमें है और पनीर ये है, फटाफट आटा गूंद देती हूँ, और बाहर तो अभी तक काम चल ही रहा है, मतलब बाहर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ भाई, घर का काम पता नहीं कब खत्म हो तो समझ ही नहीं आता, तो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ इनके लिए, भूख लग गई होगी ना कब से काम कर रहे हैं, मेरे तो कमर सोने लग गया, खाना तो हमारा बन चुका है, रोटी मैंने बना के उधर दे दी और अभी हाथ भी नहीं धोए, हाथ भी वैसे पड़े हैं, और सब्जी भी बन चुकी है, आज मेरी आंखें अजीब सी हो रखी है ना, मेरे को फीवर से हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है फील सा हो रहा है कि फीवर होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, और सब्जी कैसी बनी थी? बहुत बढ़िया सच्ची बता दिल पे, तो सब्जी मैं टेस्ट करा चुकी तो आप भी ट्राई कर लेना, कोन पता क्या था वो कोन और पनीर थी, मटर थी नहीं, मैंने कोन डाल दिया उसमें, ठीक है अच्छा था, तो ट्राई करना घर पे अच्छी बनी थी सब्जी, तो आज का ब्लॉग करते यहीं पे समाप्त, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखना अपना सारे।